हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग जय एडिटर। तो मैं हूं जावेद खान। तो कैसे सब, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ हार्ट ब्रोकन कॉन्सेप्ट। बहुत ही गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। एंड गाइस, मैं इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज करूंगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस, आपको इस तरीके से फोटो क्लिक करा लेनी, इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रेज कर लेना। बैकग्राउंड कैसे रेज करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। और गाइस, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस, सिंपली हमें अपना पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है अपना। तो गाइस, हमें प्लस वाला आइकन पर जाना एंड ऑल फोटोज पर जाना। तो गाइस, हमें अपना वह बैकग्राउंड लेके आना जिसके ऊपर हम एडिटिंग करेंगे। गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, मैं बैकग्राउंड लेके आता हूं। तो गाइस, मैं बैकग्राउंड लेके आ चुका हूं, आप देख सकते हो फ्लैश डी का बैकग्राउंड है। तो गाइस, सिंपली हमें ऐड फोटो पर जाना। ऐड फोटो पर जाने के बाद हमें आर्चरे की पीएनजी लेके आनी है, यानी तीरंदाजी वाली। तो गाइस, मैं पीएनजी लेके आता हूं। तो गाइस, इस पीएनजी को हमें यहां पर बड़ा करके इस तरीके से ऐड कर लेना, यहां पर इस तरीके से। ऐड करने के बाद गाइस, हमें यहां से डन कर देना। इसके बाद गाइस, हमें ऐड फोटो पर जाना। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस, हमें अपने मॉडल की फोटो लेके आनी है जिसका हमने बैकग्राउंड रेज किया था। तो गाइस, मैं फोटो लेके आता हूं। तो गाइस, मैं फोटो लेके आ चुका हूं। सिंपली इस फोटो को हमें यहां पर ऐड कर लेना, इस तरीके से, इस तरीके से ऐड करना गाइस। इस तरीके से लगाने के बाद गाइस, हमें इरेजर पर जाना। इरेजर पर जाने के बाद गाइस, यहां से इरेज करना अपने शूज के नीचे से, इस तरीके से इरेज कर लेना। एंड गाइज, यहां से डन कर देना और यहां से भी डन कर देना। इसके बाद गाइज, हमें फिर से ऐड फोटो पर जाना। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने हार्ट की पीएनजी लेके आनी है। तो गाइज, मैं वो हार्ट वाली पीएनजी लेके आता हूं। तो गाइज, मैं वो हार्ट वाली पीएनजी लेके आ चुका हूं। सिंपली इसको हम यहां पर लगा लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ऐड कर लेना गाइज। एंड इस बार हमें करना क्या है गाइज, ओपेसिटी कम करनी है। इरेजर पर जाएंगे, जूम कर लेना है यहां से। एंड गाइज, इरेजर पर जाना और यहाँ पर इस तरीके से इरेज करना, इस तरीके से इरेज करना गाइस। इरेजर का थोड़ा साइज कम कर लेते हैं एंड इस तरीके से इरेज कर लेना। और गाइस, यहाँ से डन करना एंड ओपेसिटी बढ़ा देंगे इसकी, और यहाँ से भी डन कर देना। इसके बाद गाइस, फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे। हमें इस वर्ड वाली पीएनजी लेके आनी है, तलवार वाली। एंड गाइस, इसको यहाँ पर लगा लेना, इस तरीके से लगा लेना। और गाइस, इसकी हमें ओपेसिटी कम करनी है। इरेजर पर जाएंगे और यहाँ से इरेज करना, इस तरीके से, इस तरीके से इरेज करना, उंगली के ऊपर से इस तरीके से इरेज कर लेना ताकि रियलिस्टिक सा लुक आए गाइस। एंड यहाँ से डन कर देना, ओपेसिटी बढ़ा देनी, और यहाँ से भी डन कर देना। एंड गाइस, इसके बाद हमें ऐड फोटो पर जाना। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस, फिर से हमें यही पीएनजी लेके आनी, शॉर्ट वाली। एंड इसको यहाँ पर लगा लेना, इस तरीके से, इस तरीके से लगा लेना। एंड इरेजर पर जाएंगे और यहाँ से इरेज कर लेना, इस तरीके से। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा गाइज फोटो के अंदर। और यहाँ से डन कर देना। इसके बाद गाइज, हमें फिर से ऐड फोटो पर जाना। ऐड फोटो पर जाने के बाद हमें एक बॉक्स की पीएनजी लेके आनी जिसके अंदर हमारे जो ये हथियार हैं, जो भी स्वॉर्ड वगैरह वो रखे होंगे उसमें। तो गाइज, वो पीएनजी लेके आनी है हमें। तो गाइज, मैं पीएनजी लेके आता हूँ। तो गाइज, मैं पीएनजी लेके आ चुका हूँ। सिंपली इस बॉक्स को हम यहाँ पर लगा लेंगे, इस तरीके से। इससे गाइज, जैसा लुक आएगा जैसे हम इस बॉक्स में से इन चीज़ों को ले रहे हो। तो गाइज, इस बॉक्स को यहाँ पर लगा लेना, इस तरीके से। एंड गाइज, यहाँ से डन कर देना। तो गाइज, हमारी पिक्सआर्ट की एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। सिंपली इस फोटो को हमें सेव कर लेना। ड्रॉ पर जाएंगे और गाइज, यहाँ से सेव करना फोटो। यहाँ से फोटो की क्वालिटी लॉस नहीं होती। एंड गाइज, हमें इस बार अपना लाइट रूम ओपन करना है। लाइट रूम ओपन हो रहा है अपना। तो गाइस, उस फोटो को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस, सिंपली हमें लाइट्स पर जाना। लाइट्स पर जाने के बाद थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। एंड गाइस, हाईलाइट बढ़ाएंगे। शेडो गाइस, इसकी हम थोड़ी कम करेंगे। वाइट्स थोड़ा बढ़ा देंगे, ब्लैक्स थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड गाइस, इसके बाद हमें कलर्स पर जाना। टिंट थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद ऊपर मिक्स पर जाना।
अपना रेड कलर सेलेक्ट हो रखा था, ह्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद गाइज हमें ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ह्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद गाइज हमें अपना ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, ह्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस गाइज थोड़ा कम कर देंगे। एंड उसके बाद गाइज हमें अपना डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, ह्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन बढ़ा देंगे, ल्यूमिनस गाइज थोड़ा कम कर देंगे, और यहाँ से डन कर देना। उसके बाद गाइज हमें इफेक्ट्स पर जाना है, इफेक्ट्स पर जाने के बाद हमें डैश बढ़ाना, थोड़ा फिगनेट गाइज थोड़ा कम करेंगे, मिड पॉइंट बढ़ा देंगे, फीदर बढ़ा देंगे, राउंडनेस गाइज इसका हम कम कर देंगे। एंड उसके बाद गाइज हमें डिटेल्स पर जाना है, शार्पनिंग थोड़ा बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद गाइज नीचे कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देना। तो गाइज हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है कंप्लीट, आप देख सकते हो। एंड गाइज आपके लिए बिफोर एंड आफ्टर का कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर एकदम ऑसम लुकिंग आ रही फोटो के अंदर। शेयर पर जाएंगे, फोटो को सेव कर लेना, सेव टू डिवाइस कर लेना। तो गाइज ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।